लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। यूपी के जनपद महाराजगंज जिले में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिलाध्यक्ष पशुपतिनाथ गुप्त के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर मुख्य मार्ग से होते हुए जिला मुख्यालय डीएम कार्यालय पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम से संबोधित ज्ञापन डीएम महाराजगंज को दिया। प्रदेश में गुंडागर्दी, हैवानियत, लूट, हत्या, बलात्कार सरेआम हो रहे हैं। पुलिस हिरासत में बेकसूरों को मारा जा रहा है। सच बोलने वालों पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ प्रयागराज में दलित परिवार की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप करके उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है, लेकिन अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई। कुछ दिन पहले हत्यारों के द्वारा मारा पीटा गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आम आदमी पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है और अपराधियों की फांसी देने की मांग करती है। धरना प्रदर्शन में जाहिद अली, राजकुमार पटेल, आबिद अली, रामनयन गुप्ता, हरेंद्र सिंह, इस्लाम अंसारी, ध्रम ध्वज, अरुण पटेल, शैलेश गुप्ता, सैफुल्ला, दिनेश पटेल, तेरस आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सैटेलाइट न्यूज से तैयब अली चिश्ती की रिपोर्ट।